ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा है फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। दोस्तों ये आज स्वेट मॉडर्न के ये छठी है, प्रतिदिन आगे बढ़ो। तो इसमें चैप्टर छठा, प्रेम के बर्ताव से सब कुछ संभव है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। वास्तव में प्रेम का जादू सिर चढ़कर बोलता है। प्रेम बर्ताव के द्वारा बड़े से बड़ा असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। प्रेम वास्तव में एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है जिसके द्वारा किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। प्रेम के अभाव में धन दौलत व जायदाद सभी व्यर्थ होती है। यदि हम चाहते हैं कि अपने जीवन में प्रतिदिन उन्नति करें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, दूसरों की नज़र में एक सम्मानित स्थान प्राप्त करें, तो हमें जीवन में प्रेम बर्ताव को अपनाना होगा। दूसरे के हित में अपना सर्वोच्च निछावर कर देना हो ही सच्चा प्रेम कहलाता। निस्वार्थ भाव से दूसरों की समस्याओं को सुनना व उनका आवश्यक समाधान करना ही सच्चा प्रेम है। दूसरों को परेशानी में घिरे देखकर उनकी मदद के लिए फौरन दौड़ पड़ना ही सच्चा प्रेम है। दूसरे के दुख को अपना दुख समझना तथा दूसरों के दुख का निवारण करना अपना प्रथम कर्तव्य समझना ही सच्चा प्रेम है। प्रेम बर्ताव के बल पर व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। संसार में सबसे उत्तम वस्तु है सहृदयता। जिसका हृदय मधुर है वह हर पल आनंद मग्न रहता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा साथी, अच्छा मित्र एवं अच्छा पड़ोसी होता है। वह हर प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को दूसरे के अनुकूल बना लेता है। शिष्ट व्यवहार, मधु हृदय, दयालु स्वभाव, स्वच्छ मन, उदार चित्त, ये ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को लोकप्रिय बनाते हैं। जिस व्यक्ति के पास ये गुण है उसका एक लखपति धनी से भी बढ़कर मान सम्मान होता है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है, उदार चित्त लोगों का तो सारा संसार ही कुटुंब होता है। मधुर स्वभाव वास्तव में एक तिली समय अथवा जादू है। धन की अपेक्षा इसकी शक्ति अधिक है। इसका मूल्य हीरे मणियों से बढ़कर है। मधुर स्वभाव एक ऐसी सुगंध है जिसका सौरभ पृथ्वी को स्वर्गीय सुरभि से परिपूर्ण कर देता है। उदारता की भावना, दया की भावना, ये आत्मा की महानता की निशानी है। इससे जलन, कुढ़न, हसरत से तुच्छ स्वभाव के चिन्ह है। किसी कार्य के लिए दूसरे की जो प्रशंसा हो रही है उसे होने दीजिए। कुछ लोग बड़े ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं। एक ओर जहाँ उन्हें ईश्वर से प्रतिभा अथवा विशेष बुद्धि प्राप्त होती है, वहाँ साथ ही उन्हें ईश्वर से भरा मन भी मिला होता है। वे दूसरों की उन्नति खुद करते देखकर बुरी तरह जल उठते हैं। दयालुता की भावना के साथ ही उदारता एवं विशालता आती है। इससे भी चरित्र महान बनता है। जो मनुष्य अपने मुकाबले पर काम करने वालों की निंदा करता है अथवा उनकी प्रशंसा के अवसर पर नीचता से मौन रहता है, वह अपनी तंग दिली सबके आगे उजागर कर देता है। बहुत से लोगों का स्वभाव ही ऐसा ओछा होता है कि वे किसी भी मनुष्य में कुछ अच्छाई नहीं देख पाते। उनका अपना चाहे कुछ भी लाभ न होता हो, लेकिन वे सदा वक्रता से, तानाशाही द्वारा, व्यंग से बात करने में ही गर्व का अनुभव करते हैं। ऐसे लोग दूसरे के ही उद्देश्य एवं चरित्र को तुच्छ बताने में ही गौरव का अनुभव करते हैं। बहुत से कलाकार, चित्रकार एवं संगीतकार और यहाँ तक कि उपदेशक भी एक दूसरे पर कीचड़ उछाले बिना नहीं रहते हैं।
जब अन्य किसी व्यक्ति की प्रशंसा होती है तो वे उसे सहन ही नहीं कर पाते। वकीलों, डॉक्टर एवं राजनीतिज्ञों में इस प्रकार की इच्छा बहुत अधिक देखी जाती है। इच्छा के अनुसार हम उन्नति नहीं कर पाते, लेकिन हम दानी नहीं हैं, उदार नहीं हैं, दूसरों के प्रति हम सहानुभूति नहीं रखते, हम दूसरों को प्रोत्साहित नहीं कर पाते। यदि हम अधिक प्रोत्साहन चाहते हैं तो हमें दूसरों को भी अधिक प्रोत्साहन देना होगा। यदि हम अधिक धन चाहते हैं तो हमें अधिक दान देना करना होगा। जो व्यक्ति सहायता, सहानुभूति, प्रशंसा एवं प्रोत्साहन में कंजूसी दिखाता है, वह अपने स्वभाव को संकुचित कर लेता है, वह संकीर्ण हृदय हो जाता है। कोई व्यक्ति जब उदार बन जाता है तो उसका विकास बड़ी फुर्ती से होता है, ऐसे व्यक्ति की आश्चर्यजनक प्रगति होती है। मनुष्य की जितनी उन्नति छोटी उम्र में ही सबसे मेल जोल तथा प्रेम भाव बनाने की आदत से होती है, उतना अन्य किसी बात से नहीं होता। छोटे तथा तुच्छ हृदय वाले मनुष्य जब अपने मुकाबले पर किसी भी मनुष्य की सफलता का समाचार सुनते हैं तो जल उठते हैं। वे हमेशा दूसरे के गुण अथवा योग्यता को कम करके बताते हैं। वे कहेंगे वह है तो बहुत योग्य, लेकिन वे किसी की प्रशंसा के अवसर को बिगाड़े बिना नहीं रह सकते। दूसरे की निंदा करने वाला मनुष्य एक प्रकार से अपना ही ढिंढोरा पीटता है। मैं छोटा हूँ, मैं हीन हूँ, मैं ऊंचा हूँ, तुच्छ हूँ, इसलिए हूँ, मैं दूसरों की उन्नति पर जलने वाला हूँ, मैं सज्जन नहीं हूँ, भला नहीं हूँ, लोकाचार जानने वाला नहीं हूँ, मैं संतुलित मस्तिष्क वाला नहीं हूँ। किसी विद्वान का कथन है, दुष्ट व्यक्ति दूसरों के सरसों के बीज के बराबर दोष को भी देखता है तथा अपने बेल के समान बढ़ते दोषों को देखकर भी अनदेखा कर देता है। एक राजा था, उसका एक ही पुत्र था। राजा उसे बहुत प्यार करता था, यद्यपि वह उसकी प्रत्येक इच्छा को पूरी करता था, लेकिन वह बालक किसी प्रकार भी प्रसन्न न हो पाता था। राजा ने एक रोज घोषणा की कि जो व्यक्ति मेरे पुत्र को प्रसन्नचित बना दे, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ठीक तभी कोई जादूगर राजा के पास आया, उसने बालक के मुख पर अप्रसन्नता की झलक देखी। वह राजा से कहने लगा, महाराज अधिराज, मैं आपके बेटे को प्रसन्नचित बना सकता हूँ, उसके चेहरे पर मैं मुस्कान ला सकता हूँ, लेकिन उस बालक को मैं यह रहस्य बताऊं, इससे पहले तुम मुझे इसका मूल दो, वह जादूगर मूल पाकर उस बच्चे को एकांत कमरे में ले गया। उसने एक श्वेत कागज पर किसी श्वेत वस्तु को कुछ लिखा। उसने बालक को एक मोमबत्ती दी और उससे कहा कि इसे जलाओ और कागज के नीचे रखो और फिर देखो कि तुम क्या पढ़ते हो। उस बालक ने वैसा ही किया। वे सफेद अक्षर सुंदर नीले रंग में बदल गए। उसने ये शब्द लिखे थे, किसी एक व्यक्ति पर प्रतिदिन दया का कोई कार्य करो। राजकुमार ने उस संपत्ति पर आचरण किया। उसके पश्चात सारे राज्य में वह सर्वाधिक प्रसन्नचित बालक बन गया। पंचतंत्र में वर्णित जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरे के जीवन को जीने योग्य बनाता है, मधुर बनाता है, वह बहुत दिन जिए। यो तो कौवे भी बहुत दिन जी जाते हैं और ज्यों त्यों अपना पेट भर लेते हैं। जीवन में जो मनुष्य किसी की मदद नहीं करता, वह कभी खुशी नहीं हो सकता। अपने जीवन में जो व्यक्ति प्रसन्नतामय एवं उल्लास युक्त नहीं है, वह भी सफल नहीं हो सकता। शांति, साहस, उत्साह, आशावाद एवं मधुरता व प्रसन्नता, ये ही वे सद्गुण हैं जो मनुष्य को सफलता प्रदान करते हैं। प्रसन्न हृदय होना
प्रसन्न मुख होना, दूसरे के हितों के करने का यत्न करना, दूसरे को प्रसन्न करने की चेष्टा करना, सब मनुष्यों को भाई समझना, ये ऐसे गुण है जिससे जिनसे मनुष्य अपनी धन संपदा विद्या यश आयु एवं मानवता की रक्षा कर सकता है। इन विशेषताओं के द्वारा मनुष्य जितनी चाहे प्रगति कर सकता है। दूसरे की भावनाओं को ठेस न पहुंचाना, दूसरे के दोष न कुरेदना, दूसरे की कमजोरी के प्रति उदार होना, दयालुता के छोटे छोटे कार्य, बद्धता के छोटे छोटे व्यवहार, दूसरे का मन समझने की चेष्टा, दूसरे का सहायक बनने का प्रयास, स्वार्थ रहित होना तथा सहानुभूति का भाव, ये है प्रेममय स्वभाव के चिन्ह। रेडियम एवं आश्चर्यजनक पदार्थ है, वह प्रति सेकेंड लाखों परमाणुओं को बाहर की ओर बिखेरता है, लेकिन परमाणु उससे अलग नहीं होते, उसका आकार एवं गुण कम नहीं हो पाते। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य प्रसन्नता बिखेरता है, जो अपनी वाणी से दूसरों को उत्साह देता है, उसकी प्रसन्नता व उत्साह कम नहीं होते। दूसरे का साहस बढ़ाना, दूसरों को प्रेरणा देना, दूसरों की मदद करना, इनसे कोई भी मनुष्य छोटा नहीं होता, नहीं घटता। मानव जीवन की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह दूसरों की अच्छाइयों की ओर से आंखें मूंद लेता है। न जाने मनुष्य को कटु वचन कहने में क्या मिलता है, न जाने उसे दूसरे का दिल दुखाकर क्या उपलब्धि होती है। उदारचित मनुष्य से लोग प्रेम किए बिना रह नहीं सकते। उदारचित वाला व्यक्ति कई बार सारी जाति को ऊंचा उठा देता है। आह, मधुर हृदय कितनी धनी होता है, उसका मुखरा कैसा खिला हुआ होता है, उसका बर्ताव कितना मधुर होता है, वह जहाँ जाता है कितनी मधुरता, कितनी उत्साह एवं आनंद बिखेरता है। उसे देखकर दुख एवं खेद से दबे हुए लोग सुख एवं आनंद पाते हैं। हम दूसरों की कमियों को बहुत बड़ा चढ़ा देखते हैं, हम एक दूसरे को गलत समझते हैं। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति के में भगवान के दर्शन करने लगे तो निश्चय ही हमारे दिन बदल सकते हैं। प्रायः हम में से कई लोगों के मन लालच के वशीभूत होकर प्रेम रहित हो जाया करते हैं। हमें अपने स्वार्थ के कारण लोगों के गुण अथवा अच्छाई दिखाई ही नहीं देती। जब हम लोगों को अच्छा समझने लगेंगे तो वास्तव में हम अच्छे बनने लगेंगे। हम एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखकर ही समाज में शांतिमय क्रांति ला सकेंगे। अगर हम सबकी प्रगति चाहे सर्वोदय की भावना से प्रेरित होकर सब से प्रेम बर्ताव करें तो निश्चय ही हमारे समाज एवं देश की महान प्रगति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम मुक्त हृदय प्राणी बने, दूसरों से विनम्रता एवं मधुरता का बर्ताव करें, लोगों से मीठा एवं सत्य का व्यवहार करें, अपने हृदय में दयालुता की भावना विकसित करें, कभी भी दूसरों की उचित प्रशंसा करने से न चूके, अपने हृदय का आनंद दूसरों में बांटे, दूसरों की सहायता हेतु आगे बढ़े। ऐसा करने से तेजी से हमारे जीवन का विकास होगा। हमें चाहिए कि हम दूसरों के मन में को ऊंचा उठाएं, दूसरों को थोड़ा और अच्छा बनाने का प्रयास करें, दूसरों पर प्रकाश की, आशा की, आनंद की एवं सद्भावना की पुष्ट वृष्टि करें। ऐसा करने से हमारे लिए प्रकाश एवं आनंद के सभी द्वार खुल जाएंगे। हमारी दयालुता, सहानुभूति एवं प्रोत्साहन से दूसरे के हृदय ऊंचे उठेंगे। संसार में ऐसे हृदय अधिक हैं जो धन की उपेक्षा हमसे मधुर शब्द, सहानुभूति भरे शब्द पाना चाहते हैं। एक बार यूनान की किसी महिला ने एक फटे कपड़ों वाले भिखारी को अपने घर बुलाकर उसे भरपेट खाना खिलाया, पहनने को साफ पोशाक दी, उसे उत्साह एवं प्रेरणा से भरे कुछ शब्द भी कहे, तुम इंसान हो, बुद्धिमान तथा सेहतमंद हो।
इस तरह भीख मांगकर अपने जीवन को बर्बाद करना अपमान की बात है। लगभग एक वर्ष बाद वह महिला इस घटना को बिल्कुल भुला चुकी थी। अचानक उस महिला पर आर्थिक संकट गहराने लगा। उसे किसी ने के $500 चुकाने थे, लेकिन कहीं से भी वह बेचारी प्रबंध न कर पा रही थी। अगले रोज एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उस महिला के पास एक अपरिचित व्यक्ति आया और उसके आगे $500 रख दिए। महिला के द्वारा पूछने पर उस व्यक्ति ने कहा, मुझे किसी से पता चला है कि फिलहाल आप आर्थिक संकट में हैं तथा आपको $500 की सख्त जरूरत है। आपने आज से एक साल पहले मुझसे एक भाई की तरह सद्भाव व्यवहार किया था। मैंने आपको वचनों का मंत्रवत पालन किया। उसी दिन से मैंने भीख मांगना छोड़ दिया तथा अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास किया। मुझ पर ईश्वर की आज बड़ी कृपा है। ऐसे में मैं भला अपनी बहन के प्रति कृतज्ञता क्यों ना प्रकट करूं, जिससे मेरे जीवन में इस प्रकार सवारा है। जो लोग अपने ही स्वार्थ एवं अहंकार में फूले रहते हैं, उनसे बढ़कर कोई बुरा नहीं है। अधिक लालच से मनुष्य के हृदय की सुकुमारता एवं कोमलता नष्ट हो जाती है। अत्यधिक लालची व्यक्ति को दूसरे मनुष्य चींटियों के समान महसूस होने लगते हैं। अक्सर लोग धन के लालच में कईयों को कुचलने के पश्चात आगे बढ़ने में लगे रहते हैं। मानो हमें व दूसरों लोगों में मानवता के संबंध ही न हो। यदि हम सच्चे अर्थों में धनवान बनना चाहते हैं, तो हमें जरूरतमंदों एवं बेसहारा लोगों की मदद करना होगा। इससे बढ़कर धनी व सुख संपन्न होने का कोई दूसरा सरल उपाय नहीं होता हो सकता। यदि हम चाहते हैं कि जीवन में प्रतिदिन तरक्की करे व आगे ही आगे बढ़ते रहे, तो हमें प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम एवं सहृदयता का व्यवहार करना होगा। जीवन का जो सच्चा आनंद दीन दुखियों की निष्काम भाव से सेवा करने तथा सहायता करने में है, वह अनंत कहीं नहीं हो सकता। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? और एक और चीज़ लास्ट करूँगा, माटी का पतला हूँ आपसे जुदा नहीं, गलती हो तो माफ़ करना, इंसान हूँ खुदा नहीं। दोस्तों ये कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपका कमेंट का